हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग विद अमित। समय हो रहा है 1:09, डेट है 11/1/2024। देखिए, आज का हमारा ट्रेडिंग जर्नी क्या था, मैं आप सभी को शो कर देता हूँ। मैंने शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको मार्केट एनालिसिस का जो स्ट्रेटजी बताया था वो प्रॉपर वर्क किया है। मैंने ये बताया था कि मार्केट देखिए गैप अप ओपन होने वाले हैं। फर्स्ट केस मैंने बताया था, अपने पब्लिक चैनल पर भी अपडेट किया था। 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको डेली वीडियो मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियो। उसमें क्या रहेगा कि मैं मार्केट का स्ट्रेटजी आप सभी लोगों को डिफाइन करूंगा। देखिए, सुबह में जो मार्केट का स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं वो रिसर्च करके, जितने भी ग्लोबल सारे मार्केट होते हैं उसको रिसर्च करके मैं आप सभी के सामने ये वीडियो क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट, जब मार्केट गैप अप हुआ तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अप्लाई दिस केस। देन 9:30 में मैंने ये भी अप्लाई किया कि इस वीडियो में जो मैंने फर्स्ट केस बताया है वो अप्लाई होगा। मैंने ये सब बताया है आप सभी लोग को। मैंने क्या बताया था कि मार्केट गैप अप होगा, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बनने का हम वेट करेंगे। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना और सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। हमने सपोर्ट बनने का वेट किया, नेक्स्ट एक वेट किया हम लोग ने यहाँ पे, एक यहाँ पे सपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ अभी आप सभी लोग को, टेलीग्राम पर भी अपडेट किया है, एक सपोर्ट यहाँ पे बनने दिया। देखिए, मैं आप सभी लोग को हर वीडियो में बताया हूँ कि जब भी ट्रेड लेना है वो रीटेस्ट के बाद लेना है। रीटेस्ट में क्या होता है कि मार्केट का समझ में आ जाता है नेचर। ये जो मैं सपोर्ट मैं ड्रॉ किया हूँ, क्या ये सपोर्ट ओरिजिनल सपोर्ट है या फेक सपोर्ट है, तो ये पता चल जाता है। तो देखिए, हमने वेट किया, हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने वेट किया, सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया। मैं अभी आप सभी को शो करता हूँ। देखिए, लर्निंग ग्रुप में मैंने शो किया है, आज का मैं शो कर देता हूँ। शुरू से ही मैंने आप लोगों को मार्केट का नेचर डिफाइन कर दिया था कि मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जाने वाला है। मैंने किया था अपडेट 9:32 पर मैंने किया था, और 10:09 पर मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाया था कि ये अगर सपोर्ट लेगा, लिखा है रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आफ्टर इंट्राडे सपोर्ट क्रिएशन, कहीं भी एक सपोर्ट क्रिएट करेगा तो ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये आज के दिन ब्रेक करेगा। मैंने आप सभी लोग को ये भी मेंशन किया कि जो आप सभी लोग को मैंने कॉन्सेप्ट बताया है बाई ऑन डीप का, मैंने ये भी आप सभी को अपडेट किया। लेकिन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सपोर्ट एक मार्क किया आप सभी लोग को, ये सपोर्ट था मेरा। लेकिन इसको हम कब आप लोग को शेयर करते, तब जब ये श्योर हो जाते हम कि हाँ ये सपोर्ट ओरिजिनल सपोर्ट है, फेक सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक किया, फिर मैंने आप लोगों को ओरिजिनल सपोर्ट आप लोग को शेयर किया 11:01 पर, सपोर्ट क्रिएशन मतलब सपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट मैंने अपनी एंट्री मैंने आप सभी लोग को यहाँ पे शेयर किया कि मैंने मेरी एंट्री ये है और ये मेरा टारगेट रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा ब्रेकआउट। जैसे ही मार्केट मूव किया मैंने आप सभी लोग को बताया कि एसएल ट्रेल करना। फिर मैंने अपनी स्ट्राइक प्राइस आप सभी लोग को शेयर किया। जब ये मेरा स्ट्राइक प्राइस का अभी शो करता हूँ, स्ट्राइक प्राइस जब मेरा स्ट्राइक प्राइस का ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो मैंने एग्जिट कर लिया। क्यों एग्जिट किया, क्यों नहीं होल्ड किया ज्यादा देर तक, देखिए मैक्सिमम केस में मैंने क्या देखा है कि इस तरह से मार्केट अगर ऊपर की ओर जाता है कॉल के साइड में रेजिस्टेंस फेस करते हुए तो मैं ये क्या देखता हूं कि ये बहुत सडन आपका एसएल हिट करने के लिए रेडी रहता है, आपका एसएल हिट करने के लिए बहुत सडन ये रेडी रहता है। इसलिए मैं छोटा टारगेट रखा आज, ऐसे भी देखेंगे तो मैंने बड़ा टारगेट का एक्सपेक्ट किया था लेकिन इसमें छोटा टारगेट रखा, और जैसे ही टारगेट हिट हुआ मैं यहाँ पे निकल गया, मैं वेट नहीं किया। क्योंकि ये बार बार रेजिस्टेंस, अगर आप देखेंगे तो बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे हर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसलिए मैं छोटा टारगेट साथ आज काम किया। अपना स्ट्राइक प्राइस आप सभी लोगों को शो कर देते हैं। देखिए, आज मैंने बाई किया था, स्ट्राइक प्राइस मेरा था 21600 का कॉल 25 जनवरी का। जो मेरा एंट्री कैंडल है, मैं आप सभी को एंट्री कैंडल मार्क कर देता हूँ। मेरा एंट्री कैंडल ये है रीटेस्ट का, मैंने आप सभी लोग को बोला है रीटेस्ट में मैं थोड़ा एग्रेसिव एंट्री प्रीफर करता हूँ। ये देखिए मेरा स्पॉट के चार्ट का मेरा ये एंट्री कैंडल है, और कहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था अपना ये भी मार्क करता हूँ। मेरा एंट्री जो बना था वो 255 पर मेरा एंट्री बना था, एसएल था मेरा ठीक इसी के नीचे, इसी वाले कैंडल के। ऐसे 10 पॉइंट का मैं लेता हूँ लेकिन मैं इस कैंडल के नीचे का मैंने एसएल रख लिया था। ये लगभग एसएल ये हो गया 249-248 पर मेरा एसएल था, ये मेरा एसएल था। और टारगेट मेरा यही था कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, तो ब्रेकआउट किया, इसी पे एग्जिट कर लिया 277 या 276 पे मैंने एग्जिट कर लिया। देखिए मैंने क्या देख के मैंने आप सभी लोग को कॉल के साइड में जाने के लिए प्रीफर किया था शॉर्ट वीडियो के थ्रू। देखिए कल का मार्केट साइडवेज था जिसमें से मेरा हमारा एसएल हिट हुआ था, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट मैंने यह भी मेंशन किया था कि जो भी मूवमेंट होगा वो सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड होगा, तो मेरा ओवरव्यू था वो रॉन्ग नहीं हुआ था, ओवरव्यू मेरा सही गया था। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे
यहाँ पे सपोर्ट बनाया और मूवमेंट किया, शार्प मूवमेंट किया। इसी देखते हुए मैं आज का जो मैंने मेरा थिंकिंग था, जो मेरा व्यू था, वो कॉल के साइड में था, तो मैंने कॉल्स के साइड में पोजीशन बनाया। जैसे ही एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मैं उस पर एंट्री लेने वाला हूँ। और आप सभी लोग को भी मेंशन कर दिया कि मैंने एग्जिट कर लिया, मैंने जब एग्जिट किया तो मैंने माफ कर दिया, लगभग 12:58 मैंने एग्जिट किया, इसी 276 पर मैंने एग्जिट कर लिया। आज का ये हमारा ट्रेडिंग जर्निंग था। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अभी रनिंग कूपन कोड चल रहा है 10% और 15% का, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।